शेखर, शेखर, शेखर कुछ तो बोलो, कोई तो बात करो मुझसे। शेखर, मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम नहीं जानते आज का दिन मेरे लिए कितना बड़ा था। क्या मुझसे कोई भूल हुई है? शेखर कुछ तो बोलो प्लीज। तुमने कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं जिया। शेखर, याद है जिया जब हमारी शादी हुई थी, अग्नि के चारों ओर हमने फेरे लिए थे, कुछ कसमें खाई थी, कुछ वादे किए थे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। क्या तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया? मैंने? हाँ, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया जिया। जिया जो कुछ भी हुआ, सच कहूं तो दोष मेरा ही था। मेरी बहादुरी की सजा उन्होंने तुम्हें दी, तुम्हें बिना गलती की सजा मिली जी। तुमने खुदा की मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा दुख मुझे छुपा के रखा। जिया प्लीज, जिया इस सब के लिए खुद को मत ब्लेम करो। इसमें तुम्हारी क्या गलती? क्या लगा तुम्हें इतने बड़े दुख में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? हाँ जिया, मैं तुम्हारा एहसान मंद। तुमने जो कुछ भी इस घर के लिए किया, मेरे लिए किया, एक पल के लिए भी मत सोचना कि मैं या ये घर तुम्हारे बिना रह सकते हैं। आज मैं सारा दिन लड़ता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। कभी कभी एक छोटा सा सच कितना फर्क डाल देते हैं जिंदगी में जी। अब मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुमने मुझे लाख समझाया था कि मुझे केस नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं अपने में इतना उलझा हुआ था कि मैं समझ ही नहीं पाया तुम क्या कहना चाहते हो। बट नॉट एनी मोर, मेरे लिए तुम किसी भी केस, किसी भी लड़ाई से कहीं इंपॉर्टेंट हो। मैंने केस वापस ले लिया, हमें किसी से नहीं लड़ना, बस हम आपस में खुश हैं जिया। हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए जिया हमें। बस जो हुआ है हम इसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाएंगे। ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी? नहीं, ये बात रहेगी क्या? हम इसे भूल जाएंगे। नींद नहीं आ रही? लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? वो लोग कोर्ट से वापस आ गए हैं, बात आगे नहीं बढ़ी, चिंता की कोई बात नहीं। अगर चिंता की बात नहीं होती तो शेखर इतनी देर तक घर से बाहर क्यों रहता? जब वो ऑफिस में नहीं था तो कहां पर था? कोई बात हुई क्या? नहीं, बात तो नहीं हुई। अरे तो फिर आप उससे बात करिए ना, ऐसा क्या है जो उसे और जिया दोनों को परेशान कर रहा है? अगर कोर्ट केस छोड़ने का डिसीजन सही है तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? कोई बात तो जरूर है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। अब इनके भरोसे रहेंगे ना तो ये हमें कुछ भी नहीं बताएंगे, सब अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। बच्चे बड़े हो गए हैं रुक्मिणी, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जबरदस्ती करने को कौन कह रहा है, लेकिन खबर तो रखनी पड़ेगी ना, वरना सब अपने अपने रास्ते चलने लगेंगे और ये घर टूट जाएगा।
बहुत हो गया, बस अब इस मामले को यहीं पे खत्म कर दो, वरना आज तो ये लोग कोर्ट से वापस आ गए, दोबारा फिर नहीं चले जाए। कैसी हो? तुम्हारा शाम का क्या प्रोग्राम है? मेरा? मैं सोच रहा था कि शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, कई दिनों से बाहर नहीं गए, तो लेट्स गो आउट। नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे बाहर जाने से डर लग रहा है। जिया, बाहर तो हम जाएंगे, जिया तुम हिम्मत करके सबको भूलने की कोशिश तो करो। यू गॉट टू लेट गो ऑफ इट, आई नो इट्स डिफिकल्ट, it's really difficult, but you have to try. I can only help you. पर कोशिश तो तुम्हें भी करनी है ना, और ये कोशिश हम आज से ही करेंगे। We will forget our past. Okay? I have an idea. क्यों ना हम उसी जगह जाएं जहां हम अपनी पहली डेट पे गए थे? Remember that coffee shop? So, lady, we have a date. I'll see you in the evening. You gotta be ready. Okay? Shekhar? क्या हुआ, तुम कल दिन भर घर पर नहीं थे और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। तुम रात को बहुत देर से घर पर वापस आए ना भाई? वो मैं नहीं शेखर, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम कहां थे, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। माफी किस बात के लिए? शेखर, उस दिन मैं तुम्हारे साथ बेकार ही आर्ग्यू कर रहा था। कैसी बात करें भाई आप, पहली बात तो ये कि आपको मुझसे किसी बात के लिए कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपका हक बनता है मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे डांट सकते हैं, मुझे कुछ भी कह सकते हैं। थैंक्स शेखर, मुझे तो लगा था कि कहीं तुम। दूसरी बात ये कि आप बेकार नहीं कह रहे थे, आप ठीक कह रहे थे कि मैं हमेशा अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, उसी बात की सजा भुगत रहा हूं। क्यों, क्या हुआ शेखर? कुछ नहीं भाई, मैंने केस विड्रॉ कर लिया क्योंकि मैं जिया को और सफर करते नहीं देख सकता था। मैंने डिसाइड कर लिया कि वो इस केस में और नहीं उलझेगी, ये मेरी लड़ाई है एंड आई विल फाइट इट अलोन। शेखर, वैसे दो भाइयों के बीच में ऐसी बात की नहीं जाती है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता सकता है। जरूर भाई, अब केस पे ड्रॉ कर लिए तो जो भी प्रॉब्लम थी अपने आप ठीक हो जाएगी, कुछ वक्त लगेगा पर इट्स गोना बी फाइन। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तुम्हारे कुछ भी पूछने से पहले मैं कहती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन बेटा तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? एक्चुअली
मैं तुम्हें लिवाने आई थी, लेकिन हर बार जब मैं तुम्हें ले जाने की बात करती हूँ पांडे जी से, वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। खैर, बहुत अच्छा हुआ तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। माँ, ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो, मायका तो नहीं हो सकता ना। हेलो, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम्हारा ख्याल है तो सोचा तुमसे बात कर लो। तुम्हारी बीवी हो, जब चाहे तब फोन कर सकते हो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड? कौन बोल रहा है? प्रिया बोल रही हूँ। प्रिये, साली से काम चल जाएगा या फिर बीवी से बात करवाओ। तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकती क्या? माँ भी आई है। अच्छा, क्या तुम दोनों आ गए? जिया का दिल भी बहल जाएगा। अच्छा, अब जरा मैडम से बात कराएंगे? हाँ। हेलो, ये लोग कब आए? बस अभी अभी। अभी कुछ देर रुकेंगे ना? मैं हूँ। बहुत दिन हो गए माँ से मिले। तुम्हें काम होगा ना, तुम काम करो। सच, शेखर की इसकी बातें सुनकर लगता है सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं खामखा परेशान हो रही थी, यहाँ तो सब ठीक है। ये क्या है भाई? मैंने तुमसे सबूत मांगा था और तुम ये लिफाफा ले आए। क्या इस लिफाफे में? खोल के तो देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें वो सबूत है जिसकी वजह से उस शेखर ने अपना केस वापस ले लिया। ये तो सीरियस मामला, इस लड़की के साथ सचमुच बहुत बुरा। उनका परेशान होना गलत नहीं था, किसी के साथ भी ऐसा होता तो ऐसे ही बौखला जाता। तू साले सचमुच बहुत कमीना, पर वो भी कुछ कम नहीं। इस वजह से उन्हें किसी की बेइज्जती करने का हक नहीं मिल जाता। और बेइज्जती भी किसकी? इंस्पेक्टर शिंदे, अगर आपकी बेइज्जती हो तो आपको कम से कम दूसरों की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। भाई, हम भी इंसान हैं, दुख होता है, जब दुख होता है तो बदला तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम उस जर्नलिस्ट को? देख भाई पहलवान, तेरा केस तो मैं बंद करवा दूंगा और तू छूट भी जाएगा, लेकिन बदले में तू करेगा क्या? आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो अपनी जबान बंद रखना। मुझे जब भी शक होता है कि तुम हो या नहीं, तुम्हारे होने का कोई ना कोई सबूत मिल ही जाता है। थैंक यू। शेखर ने जिस तरह इस बात को रिएक्ट किया, इसलिए थैंक यू। जिया के उदास रहने से इस घर की रौनक ही चली गई है, वरना इस घर में कितनी चहल पहल रहती थी। तो आप पूछिए ना उससे उसकी। माँ। हाँ बेटा। शेखर का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा उसने, कोई खास बात? वो घूमने जाने की बात कर रहा था। वेरी गुड, बहुत दिनों के बाद उसने कोई अकल की बात की है। जाओ बेटा। लेकिन जाओगे कैसे, वो आ रहा है क्या? माँ, वो बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है।
अच्छा, अब उसे घर आने में भी शर्म आ रही है क्या? जाओ बेटा, लेकिन लेकिन जल्दी वापस आ जाना, देरी मत करना। है पति को काबू में करने के नुस्खे। मम्मी मम्मी ये देखो, पति को काबू में रखने के नुस्खे। अरे इसे छोड़, जिया से सीख, उसे पता है कैसे सबको काबू में रखा जाता है। ठीक है, मैं उससे पूछ लेती हूँ। वैसे भी समर का ध्यान आजकल मुझ पे कम और उनके काम पे ज्यादा रहता है। अरे टप्पू, यही सोच रही हूँ कि ये सब ठीक कैसे हो गया। उस दिन कोलाज को देख के कैसे जिया का रंग उड़ा था, और फिर उस इंस्पेक्टर का आना, और आज शेखर और जिया घूमने जा रहे हैं। मम्मी मैं सब समझ रही हूँ, आप मुझे चिढ़ा रहे हो ना। मैं अभी समर को फोन करके कहती हूँ कि तुम मुझे आज और अभी इसी वक्त शॉपिंग पे लेके चलो। ये सब ठीक हो कैसे गया? थैंक यू। माँ कुछ कह रही थी? नहीं, बल्कि वो तो खुश थी। अच्छा, हम लोग कितने दिनों बाद बाहर निकले ना। पिछली बार कब निकले थे याद नहीं। पिछली बार का जिक्र मत करो। जी आप, मेरा वो मतलब नहीं था। आई नो। शेखर, सब लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं, चलो ना घर चले। जिया, कोई तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा। शेखर, हमें पब्लिक प्लेस में आना ही नहीं चाहिए था। चलो ना, प्लीज घर चले। शेखर शेखर प्लीज घर चलो। आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेट्स गो होम प्लीज। जिया शेखर प्लीज चलो घर चले। चल। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट तो है, मेरे से ज्यादा शायद आपके लिए। मतलब? ये तो शेखर की वाइफ है जिया। क्या कमाल का स्कूप दिया आपने इंस्पेक्टर साहब, कमाल का। आपका यह एहसान मैं कैसे उतारूंगा? सिर्फ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि फोटोग्राफ्स मैंने तुम्हें दिए। आपने? भूल जाइए शिंदे साहब, ये फोटोग्राफ आपने मुझे दिए। बस आप तो कल सुबह का अखबार देखिएगा और चौंक जाइएगा। बेटा आजकल न्यूज़पेपर कहाँ है?